हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में जो हम पजल सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है शूज मैन एंड टॉर्च पजल। किसी भी पजल को सॉल्व करने के लिए हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, हमें लास्ट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए उसके ऊपर दी गई सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, क्योंकि उससे सारे आइटम्स की वैल्यू मिलती है जो हम फाइनल इक्वेशन में पुट करते हैं और हमारा फाइनल आंसर हम निकालते हैं। एंड सेकेंडली, हमें सारे इक्वेशंस को बहुत ही ध्यान से देखना होता है, क्योंकि इसमें बहुत से हिडन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने उनको करेक्टली आइडेंटिफाई कर दिया तो हमारे करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए आइए दोस्तों, पजल शुरू करते हैं। पजल शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे हमारा फर्स्ट इक्वेशन। हम देखेंगे हमारे फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है 3 pair ऑफ शूज और यू कैन से बूट्स, और इनका सम है 30। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास पेयर ऑफ बूट की वैल्यू निकल आएगी। अगर पेयर ऑफ शूज इक्वल टू 10 है तो 1 shoe की वैल्यू होगी 5, दैट इज 10 divided by 2 इक्वल टू 5। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का एंड हुआ। फर्स्ट इक्वेशन के एंड में हमारे पास एक वैल्यू है, दैट इज 1 shoe इक्वल टू 5। तो चलिए दोस्तों, सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास है 2 lads plus 1 pair of shoes जिनका सम है 20। तो दोस्तों, हम अगर इस आदमी को ध्यान से देखें तो इसने ब्लैक शूज पहन रखे हैं, प्लस इसने हाथ में कुछ भी होल्ड नहीं किया हुआ है। तो सिंपल वन मैन की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। हमें यहाँ पे शू की वैल्यू पुट करनी है, जो हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिला था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास वन मैन की वैल्यू आ जाएगी 5, वन मैन विदाउट शूज एंड विदाउट एनी थिंग होल्डिंग ऑन हिज हैंड इज इक्वल टू 5। तो चलिए दोस्तों, थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास है 2 pair of torch and 1 man इज इक्वल टू 13। दोस्तों, हमने सेकेंड इक्वेशन से मैन की वैल्यू निकाल ली थी, दैट वॉज इक्वल टू 5। वो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास पेयर ऑफ टॉर्च की वैल्यू निकल आएगी। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 pair of torch equal to 4, दैट इज 2 torch equal to 4। सो अगर 2 torch की वैल्यू 4 है तो 1 torch की वैल्यू हमको मिलेगी 2। तो दोस्तों, थर्ड इक्वेशन का एंड हुआ, और थर्ड इक्वेशन के एंड तक हमारे पास 3 items के वैल्यू हैं, दैट इज 1 man equal to 5, 1 shoe equal to 5 एंड 1 torch is equal to 2। तो चलिए दोस्तों, हम अपने फाइनल इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। हम लास्ट इक्वेशन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमारे मैक्सिमम हिडन एलिमेंट्स जो होते हैं वो यूजुअली लास्ट इक्वेशन में ही प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्त, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास शू है, लेकिन ये सिंगल शू है। अभी तक के सारे इक्वेशंस में हमारे पास पेयर्ड शूज थे, पर ये सिंगल शू है, प्लस एक सिंगल टॉर्च है, प्लस एक मैन है जिसने वही शूज, यही वाले शूज पहन रखे हैं, प्लस उसने 2 torch होल्ड कर रखे हैं। तो दोस्तों, आइए, हमारे पास इन सब आइटम्स की वैल्यू है जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। सिंगल शू की वैल्यू है 5, प्लस सिंगल टॉर्च की वैल्यू है 2। अब हम इस मैन की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे मैन की वैल्यू थी 5, प्लस उसने पेयर ऑफ शूज पहन रखे हैं जिसकी वैल्यू हो गई 10, दैट इज 5 into 2 equal to 10, प्लस उसने 2 torch होल्ड किए हुए हैं जिसकी वैल्यू, एक टॉर्च की वैल्यू 2 है, तो 2 torch की वैल्यू हो गई 4। तो दोस्त, हमने सारे आइटम्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास रूल यूज करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी उसे हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इनकी जो वैल्यू आएगी उससे हमें इसको ऐड करना है। सो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना होता है, फिर एडिशन करना होता है। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5 plus 10 plus 4 is equal to 19, हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, इंटू 2। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे हमें पहले ये मल्टीप्लाई करना है, 19 into 2, दैट इज 38, फिर उसको इसके साथ प्लस करना है, दैट इज इक्वल टू 43। तो दोस्तों, हमारा आंसर है 43। हमारा इक्वेशन हो गया है सॉल्व्ड, हमने अपने पजल को सॉल्व कर लिया है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने बच्चों के साथ। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई फीडबैक है तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, एंड फॉर मोर पजल्स एंड रिडल्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।